हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका अदितिस किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वेट लॉस ड्रिंक रेसिपी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पूरा दिन आपको क्या खाना है। बताए गए तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो एक हफ्ते में मिनिमम 2 किलो और मैक्सिमम 5 किलो तक वेट आप अपना कम कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करते, बस घर का नॉर्मल खाना खाते हैं, बाहर का जंक आपने बंद कर दिया है, तो भी ये आपको फ़ायदा करेगा। आप एक महीने में 4 से 5 किलो वेट कम कर सकते हैं। और ये जो ड्रिंक है, ये ड्रिंक हम बनाने वाले हैं एप्पल साइडर विनेगर से। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के अंदर जाते हैं और पेट के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनसे फाइट करते हैं, उनको मारते हैं। और इसीलिए काफ़ी हेल्दी ड्रिंक है और इसके अंदर एसिडिक एसिड है जो हमें काफ़ी सारे बायोलॉजिकल बेनिफिट भी देता है। तो सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट इसके हैं जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रेड कलर के बटन को दबाइए और इसके बाद साइड में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, इसे भी दबाइए। इसी से आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी, तो इसे ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पे ड्रिंक बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक गिलास मैंने पानी लिया है, नॉर्मल पानी, और एक लेंगे सॉस पैन और उसके अंदर डालेंगे हम एक गिलास पानी। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर एक स्टिक दालचीनी डालेंगे, दालचीनी, सिनेमन, और इसको हम गैस पे रखेंगे 3-4 मिनट, अच्छे से उबालेंगे पानी को। तो गैस पे रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर। जब आप इसे खरीदेंगे तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जैसे वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, अनफिल्टर्ड होना चाहिए, विद मदर होना चाहिए, यानी कि अनपेस्चराइज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूर होनी चाहिए, मदर ज़रूर होना चाहिए, विद मदर, वरना ये आपको 50% भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, यही है जो हम बोलते हैं विद मदर। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, यानी कि ये अनपेस्चराइज है और अनफिल्टर्ड है। तो इसको जब आप यूज़ करेंगे तो बॉटल को अच्छे से शेक करेंगे, तब आप इसको यूज़ करें। जब भी आप यूज़ करें तभी बॉटल को अच्छे से शेक करें। तो ये तो हो गया एप्पल साइडर विनेगर। यहाँ पे हमने लिया है एक लेमन, इसको कट कर लेते हैं क्योंकि हमें हाफ लेमन चाहिए, तो हाफ लेमन का जूस हमें लेना है। लेमन अगर हम खाली पेट लेते हैं तो ये हमारे जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाता है, हमारी चर्बी को पिघलाता है और हमारे वेट लूज़ करने में काफ़ी हेल्प भी करता है। तो आधा हमने नींबू का जूस ले लिया है, ये देखिए, हाफ लेमन जूस लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच। भूख को कम करता है ये, ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, वजन कम करता है और साथ ही साथ हमारे पेट को भी ठीक रखता है। उसके बाद हम इसमें पानी अपना 3-4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से छान लिया हमने। ये दालचीनी का पानी है, ये दालचीनी डालकर पानी हमने इसलिए उबाला है कि काफ़ी लोग बोलते हैं हमें पाउडर नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास पाउडर है तो पानी को हल्का गर्म करें और ग्लास में डालें और उसके अंदर 1/4 टीस्पून, यानी कि 1/4 छोटी चम्मच इसके अंदर दालचीनी का पाउडर आप ऐड कर लीजिए और मिक्स कर लें। बस नहीं है तो जिस तरह से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से पानी में उसको 3-4 मिनट अच्छे से उबाल लें दालचीनी को, और उसके बाद उसका पानी ले लीजिए। वैसे ये गर्म गर्म ही हमें लेना है। इसके बाद हम डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर, इसको अच्छे से हमें बॉटल को शेक कर लेना है, हिला लेना है, ताकि जो नीचे इसके पार्टिकल हैं वो अच्छे से ऊपर तक आ जाए, मिल जाए पूरे में। और इसलिए इसको अच्छे से हिला लेते हैं, अच्छे से। ये देखिए जो पार्टिकल्स हैं अब आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि ये ऊपर आ चुके होंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। तो ये 1 टीस्पून मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, जो लोग कभी भी जिन लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिया है उन्हें सिर्फ 1 टीस्पून ही लेना है शुरू में। अगर आपको लेते हुए 20-25 दिन, 1 महीना हो चुका है, उसके बाद आप, या 15 दिन के बाद भी आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 छोटी चम्मच ही डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ड्रिंक हमारी तैयार है। इसके अंदर अगर आप इसको इस तरह से नहीं पी सकते तो आप इसके अंदर एक छोटी चम्मच शहद, यानी कि हनी डालें, अच्छी क्वालिटी का लें, उसको मिक्स करें और तब लें। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं लेकिन वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें। आपके पेट को भी ठीक रखेगा ये ड्रिंक, आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको सही रखेगा, पेट एकदम साफ हो जाएगा और जो आपके पेट पे चर्बी है, यानी कि बेली फैट जिसे हम बोलते हैं, इसको रिड्यूस करता है ये और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे आपका जो फैट बर्निंग वाला जो प्रोसेस है, मतलब आपकी जो पेट की चर्बी है या जो भी चर्बी आपके पैरों पे, थाई पे, जहाँ पे भी है, वो जल्दी से पिघलनी शुरू हो जाती है। और जिन लोगों को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, उसको रिड्यूस करेगा ये
और कैलोरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी लो कैलोरी है और आपको एनर्जेटिक भी रखेगा, एनर्जी भी देगी ये ड्रिंक आपको। यही नहीं है सिर्फ वेट लॉस या बेनिफिट, आपको एनर्जी भी देगी पूरा दिन। और आपको सीधा डायरेक्ट इसको नहीं पीना है, आपको स्ट्रॉ से यानी कि पाइप से इसको लेना है। अगर आप सीधा इसको पियेंगे तो आपके जो दांत है ना वो ख़राब हो जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ड्रिंक जैसे ही आप लेंगे तुरंत उसके बाद ब्रश नहीं करेंगे, या ब्रश करते ही तुरंत इस ड्रिंक को नहीं लेंगे। आप जैसे इसको पियेंगे उसके बाद आप अच्छे से कुल्ला करेंगे पानी से, उसके बाद आप ब्रश करेंगे। तो सुबह एक तो खाली पेट आपको लेना है ये ड्रिंक को स्ट्रॉ से, उसके बाद आप दिन में आप जब लंच करेंगे लंच से आधा घंटा पहले, और रात को जब आप डिनर करेंगे उससे आधा घंटा पहले, दिन में 3 बार आप इस ड्रिंक को ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बैड बैक्टीरिया जो है उनको मारता है, किल करता है, प्रोबायोटिक है ये। आपके जो कुछ महिलाओं को, कुछ लड़कियों को पीरियड्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल्स कुछ प्रॉब्लम्स उनके रहती है, अगर आप इसको लेंगे तो आपको पीरियड्स भी रेगुलर आएंगे और खुल के आएंगे। और कोई भी जैसे जब खुलकर हमें पीरियड नहीं आते या टाइम टू टाइम नहीं आते तो उससे फेस पे भी काफ़ी सारे एक्ने हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, उस चीज़ में भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अंदर पोटेशियम भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें काली मिर्च हमने डाली, सिनेमन डाला, लेमन डाला, एप्पल साइडर विनेगर डाला, ये चारों ही चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, और चर्बी को पिघलाने में ये आपको फ़ायदा देने वाली है। तो ये ड्रिंक बनकर तैयार है, जैसा कि मैंने बताया 3 टाइम आपको लेना है। अब इसके साथ आपको क्या लेना है, आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। आप सुबह जब ब्रेकफास्ट लेंगे तो ब्रेकफास्ट में आपका जो फाइबर है वो हाई होना चाहिए, जैसे आप ओट्स खा रहे हैं या कोई भी फ्रूट जिसमें फ्रूट सैलेड आप लीजिए जिसमें फ़ाइबर काफ़ी सारा हो, या फिर आप दाल का सूप वगैरह, दाल से अंकुरित दाल वगैरह आप ले सकते हैं। और लंच आप नॉर्मल कीजिए, जो भी घर में आपका दाल चावल रोटी बन रहा है या तो वो लीजिए, या जो भी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं आप उसे फॉलो कीजिए। रात को आपको बिल्कुल लाइट लेना है खाना, जो भी आप खाएंगे रात को एकदम लाइट, सूप लेंगे या फिर आप दाल लेंगे, दाल पी लेंगे, मतलब रोटी वगैरह नहीं खाएंगे। जब आप दिन में खाना खाएंगे उसको अच्छे से चबा चबा के खाएंगे, खूब बढ़िया करेंगे चबा के खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए, और कमेंट करके आप मुझे खुद बताएंगे कि हाँ कि मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और इसे फॉलो कीजिए।